गाइस कैसे आप सब लोग। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस आज मेरे साथ है TVS रेडर। आज मैं इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ। जो बंदे भी 125 सेगमेंट में बेस्ट बाइक परचेज करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है। आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे फीचर्स बताऊँगा इसके और इसके कॉम्पिटिटिव में जो भी बाइक्स हैं उसकी खामियाँ बताऊँगा या फिर उसके जो एड ऑन फीचर्स होंगे वो बताऊँगा। सो अभी मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। सो इसको इस बाइक को मैं लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं। सो इस बाइक को मैं पूरी तरह से ऑब्जर्व कर चुका हूँ, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं इसमें, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। सो अभी पहले मैं इसकी राइड करके दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाइक का जो मीटर कंसोल है वो 125 सेगमेंट में, चाहे 160 सेगमेंट में भी ऐसा मीटर कंसोल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जो कि TVS ने 125 सीसी में प्रोवाइड किया है। और सेकेंडरी चीज़ है इस बाइक के लुक्स, जो कि फुल्ली स्पोर्टी लुक में आते हैं, जो कि इस बाइक को पूरी तरह से सभी 125 सेगमेंट की बाइक से डिफरेंट लुक देता है। और इसकी स्पीड, जो कि मैंने 2-3 125 सीसी की सेगमेंट की बाइकें चला रखी हैं, उनमें से तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइक परफॉर्मेंस थी जो कि मैंने परचेज़ करी। मैं आपको ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं मुझे इस बाइक को परचेज़ करे हुए और मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस बाइक में, कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। सो अब हम इसको चला के देखेंगे और एक एक करके मैं आपको सारे फ़ीचर्स बताऊँगा। और फर्स्टली इसका है स्टैंड ऑटो कट, मतलब स्टैंड पे अगर बाइक है तो ये बाइक स्टार्ट होगी मगर गियर नहीं डाल सकते आप, बाइक बंद हो जाएगी। ऑटो कट सिस्टम है इसमें, जो कि काफ़ी सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी बेस्ट फीचर है। और इसका ऑन करने का सिंपल वे है, आप बस एक बार पावर बटन प्रेस कर दीजिए, एक्सीलरेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। और इसका एग्जॉस्ट साउंड शायद आपको सुनाई ना दे रहा हो, मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको। इसका एग्जॉस्ट साउंड सबसे डिफरेंट है, मतलब एग्जॉस्ट साउंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बाइक, जो कि मुझे इम्प्रेसिव चीज़ लगती है इस बाइक की। और इस बाइक को हम चला के देखते हैं। इसमें टोटल 5 गियर्स है और मैं इसको कंपैरिजन कर सकता हूँ ग्लैमर 125 से और NS 125 से। NS 125 भी काफ़ी बेस्ट बाइक है, लेकिन स्पीड के कंपैरिजन में इसका कोई टक्कर नहीं है। 125 सेगमेंट की आप कोई सी भी बाइक ले आओ और TVS रेडर एक तरफ हो तो नेटली TVS रेडर इज़ द विनर। और गाइस इसका जो माइलेज है, बेहतरीन माइलेज के साथ आती है ये। अपनी क्लेम करती है 67 पर लीटर, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 55-60 ये माइलेज दे देती है आफ्टर फर्स्ट सर्विस। सो जो भी बंदे इसको उसके पर्पज़ से लेना चाहते हैं, बाइक कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह या फिर नॉर्मल जॉब वगैरह करते हैं और जिसको थोड़ी स्पोर्टी लुक में बाइक चाहिए, वो डेफिनेटली TVS रेडर की तरफ जा सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आपको मिलती है TVS रेडर। और ये तो 222 का मॉडल है, आपको TVS रेडर 2023 का भी लेटेस्ट मॉडल भी ले सकते हैं आप, उसमें काफ़ी नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। फर्स्टली उसका मीटर कंसोल चेंज किया गया है और ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स के साथ वो मीटर कंसोल आता है। मैं शोरूम पे अगर कभी विजिट करता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आएगी। और मैं इस बाइक को थोड़ा भगा के भी देखने वाला हूँ, अगर रोड सही मिलती है तो भगा के देखेंगे कितनी जाती है। यार ये तो मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, लास्ट मैंने 1167 तक भगाई है हाईवे पे, इन रोडों पे तो नहीं भगा सकते उतनी। और गाइस एक फीचर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी रेड लाइट पे मैं रुका हूँ
और इसका बेस्ट फीचर है ये ऑटो कट फीचर, जो कि इंजन बंद कर देगा। इंजन ऑन है लेकिन इंजन कट हो चुका है। अब इसको यूज़ कर, इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे सेल्फ की नहीं दबानी पड़ेगी, बस मुझे एक्सीलेटर देना है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जो कि अभी रेड लाइट ऑन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, रेड लाइट ऑन होने में टाइम लगेगा तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और गाइस क्या बनाइए टीवीएस रेडर को, मतलब कि सारे फीचर्स के साथ अगर कोई 125 सेगमेंट में स्पोर्ट्स लुक में बाइक अगर लेना चाहता है तो टीवीएस रेडर से बेस्ट बाइक कोई सी नहीं हो सकती है, ये बात तो मुझे पता चल चुकी है। इसका एक बार डिजिटल मीटर कंसोल देखिए, ऑल कलर्स में आता है ये, ब्लैक एंड वाइट में भी नहीं, कलर में अवेलेबल है। सो स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक्सीलेटर देना है हमें, बाइक स्टार्ट हो चुकी है ना हमें पावर बटन दबाना पड़ा ना कोई चीज़। सो गाइस अब बाइक को थोड़ा भगा के देखते हैं। इको मोड में ही चली गई। और हाँ गाइस, इसमें और बाइकों की तरह और स्पोर्ट्स बाइक की तरह आपको इको मोड और पावर मोड भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैं अपने अभी इको मोड पे डाल रखा है। नॉर्मल इको मोड में अगर आप माइलेज निकालना चाहते हैं सिटी में तो इको मोड में रखिए, बाकी अगर आप बाइक को भगा रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स उसमें चाहिए पर्पज़ में तो आप इसको पावर मोड पर डालिए। और अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इको मोड, अभी मैं पावर मोड पर करूँगा तो यहाँ पे पावर मोड लिखा जाएगा, ये कि देख लीजिए ऑरेंज कलर में पावर मोड लिखा रहा है। अभी बाइक आ चुकी है पावर मोड पे, सो इसका पिकअप वगैरह सब बढ़ चुका है। तो पावर मोड पे देखते हैं भगा के, वैसे भगाने वाली रोडें तो नहीं है ये, फिर भी मैं आपके लिए एक भगा के देखता हूँ। नहीं गाइस इन रोडों पे नहीं भगाया जा सकता। तो गाइस कि मैंने आपको सारे फीचर्स बताए, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप डिमांड करोगे कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो मैं इसका माइलेज टेस्ट भी करूँगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो भी फुली और डिटेल में वीडियो की कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगा। जो भी आपकी डिमांड होगी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी के साथ कंपैरिजन चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट चलाने में मुझे कोई भी कमी अगर कहते हैं कि हाँ बाइक में कमी है तो नहीं यार, वैसी कोई कमी नहीं लगी तो सोच के फ़ायदा क्या, क्योंकि यार एक डेढ़ महीना बहुत होता है किसी की कमी ढूंढने के लिए। जिस चीज़ को आप रोज़ चला रहे हो एक डेढ़ महीने में आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। सो एट द एंड मुझे ऐसी कोई कमी लगी नहीं है अभी तक इस बाइक ने। और हाँ गाइस, इसको देख के अगर कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि 125 सेगमेंट की है इस बाइक है, जो भी बंदा इसे देखता है वो कहता है 160 की है, क्योंकि इसका लुक ही इन लोगों ने इतना ख़तरनाक दे रखा है कि 160 सेगमेंट की बाइक रखती है। और यार पावर में मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो भी बंदे ये बाइक चला रहे हैं ना, जिन्होंने चलाई है उनको बता रहा हूँ कि उनको ये नहीं लगा होगा कि 125 सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं, उनको यही लगा होगा कि वो कोई 160 सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इस बाइक के अंदर पावर दे रखी है बहुत ही बेहतरीन पावर दे रखी है।
गाइस कुछ इसी तरह का था TVS Raider का ओनरशिप रिव्यू। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में बताना जिन जिन बंदों को TVS Raider बाइक पसंद है। सो इसके ऊपर और भी फीचर्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी सो वो भी कमेंट्स में बताना, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। द लाइक, बाय गाइस।